हेलो एवरीवन, तो आज इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पांच ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप डेली कॉन्वर्सेशन में आप अक्सर इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो बोले जाते हैं और आपको उनका ट्रांसलेशन भी आता है, आपको उसकी इंग्लिश भी आती है। लेकिन मैं उन्हीं सेम सेंटेंसेस को आपको शेयर करने जा रही हूँ थोड़े से बेटर सेंटेंसेस के वर्जन के रूप में, यानी कि आपको आपके लैंग्वेज में एक थोड़ा सा बेटरमेंट फील होगा। हालांकि सेंटेंसेस आप कुछ भी बोले, किसी भी तरह से बोले, ठीक है, बेटर लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आप जो भी सेंटेंसेस बोलें, चाहे वो बहुत इजी इंग्लिश में हो चाहे थोड़ा सा रिच इंग्लिश में हो, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलें, ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ताकि अगर वो लोग जो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा रिच बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ना। थोड़ा सा अगर हमको कोई चीज़ आती है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हम उसी तरह से कोई भी चीज़ को बोले, कोई भी सेंटेंसेस को बोले। हम उन्हीं सेंटेंसेस को थोड़े से बेटर तरीके से तो एटलीस्ट बोल सकते हैं और सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेंटेंस नंबर वन जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आप कभी ये बोलना हो कि मैं अपना प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या मैं अपना प्लान जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, या मैं अपना भी प्लान थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो नॉर्मली आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू शेयर माई प्लान, आई वुड लाइक टू शेयर माई प्लान, और आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई प्लान टू यू, है ना। तो अगर ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई प्लान टू यू, ओके, ये भी सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंसेस के बजाय थोड़ा सा और बेटर वे में अगर ये सेंटेंस बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू नरेट माई प्लान टू यू, आई वुड लाइक टू नरेट माई प्लान टू यू, ओके। सेंटेंस नंबर टू, सेंटेंस नंबर टू, अगर आपको ये बोलना हो, वो तो इत्तेफाक से यहाँ पर आ गया था, वो तो अब बाई चांस यहाँ पर आ गया था, इत्तेफाक से आ गया था, वो तो यहाँ पर अचानक ऐसे ही आ गया था, ओके। तो नॉर्मली आपको बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? ही केम हियर सडनली, और ही केम हियर बाई चांस। तो इसी सेंटेंस को थोड़ा और बेटर वे में अगर हमें बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? ही केम हियर एक्सीडेंटली, और ही अराइव्ड हियर एक्सीडेंटली, ही अराइव्ड हियर एक्सीडेंटली, ओके। सो है ना बेटर सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस बहुत ही यूजफुल सेंटेंस, इतना सारा काम एक ही दिन में कैसे होगा? सपोज करो कि आपको किसी ने काफी काम दे दिया, ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको एक साथ इतना सारा होमवर्क दे दिया और आप कल ही कल में करके आना है, या ऑफिस में आपके बॉस ने बहुत सारा आपको काम दे दिया और आपको अचानक से एक ही दिन में ही उसे कंप्लीट करना है, तो आपको उस सेंटेंस को बोलना है, इतना सारा काम एक दिन में कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल दीज वर्क इन अ डे, ओके। तो अब इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़े बेटर वे में अगर बोलेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई इन अ डे, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई इन अ डे, है ना यूजफुल सेंटेंस, ओके। चलिए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू यूज द सेंटेंस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। इट्स रियली वेरी गुड सेंटेंस, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई इन अ डे, ओके। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फोर्थ सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फोर, मैं कहीं फंस गया था, मैं कहीं किसी काम में बिजी हो गया था, ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप मोस्टली अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते होंगे, सॉरी आई गॉट बिजी समवेयर, और सॉरी आई वॉज ट्रैप्ड समवेयर, बट द करेक्ट सेंटेंस इज सॉरी आई वॉज स्टक समवेयर, सॉरी आई वॉज स्टक समवेयर। यहाँ पर आई वॉज ट्रैप्ड समवेयर और आई वॉज स्टक समवेयर, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? आई वॉज ट्रैप्ड, ट्रैप्ड एक्चुअली वर्ड होता है फंस जाना, ठीक है, तो यानी कि एक किसी ऐसी चीज में फंसना जहाँ से
निकलना नामुमकिन होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन स्टक यानी कि कहीं पर थोड़ी देर फंस गए और हमको पता है हम यहाँ से निकल जाएंगे, है ना, थोड़ी देर कहीं पर फंस जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई गॉट लेट, आई वॉज एक्चुअली स्टक समवेयर। देन नेक्स्ट वन, लास्ट सेंटेंस, मुझे विश्वास है तुम ये काम कर लोगे। मुझे विश्वास है तुम इसे कर लोगे। आई एम श्योर यू विल डू इट, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम श्योर यू विल कम्प्लीट योर वर्क, आई एम श्योर यू विल कम्प्लीट दिस टास्क। बट यू विश टू स्पीक इन अ बेटर वे, यू कैन स्पीक लाइक आई एम श्योर यू विल नेल इट, आई एम श्योर यू विल नेल इट। आपने जरूर सुना होगा ये सेंटेंस, ओके। तो अब कभी भी भूल जाएं तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर यू विल नेल इट, आई एम श्योर यू विल हिट इट, ऐसे भी बोलते हैं, आई एम श्योर यू विल हिट इट, और आई एम श्योर और आई एम डैम श्योर यू विल नेल इट। ओके, सो दीज आर 5 सेंटेंसेस फॉर टुडे। इन 5 सेंटेंसेस को आप ट्राई करें अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करने के लिए। जाते जाते मैं आपको एक सेंटेंस और देकर जा रही हूँ, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह से अगर आपको जानने हैं न्यू सेंटेंसेस, इंग्लिश के कॉमन सेंटेंसेस हम कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को थोड़े से और बेटर लैंग्वेज में बोलने के लिए, सीखने के लिए यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूँगी इसी तरह से आपके लिए कुछ कुछ अच्छे सेंटेंसेस लेकर जाऊँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।